वेलकम बैक टू वेदांतु क्लास 11th एंड 12th चैनल। मैं हुसैना खान, आपकी मैथ्स मास्टर टीचर एंड योर फ्रेंड। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स वाला सेशन, जहाँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को कैसे हम प्रॉपरली एंड फास्टर यानी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, 11, 12 के कोर्स में ना सिलेबस होता है ढेर सारा, टाइम होता है बहुत कम, प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास प्रॉपर टेक्निक्स अगर हो, जिससे हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ भी लें और जल्दी भी वो काम हो जाए, तो और क्या चाहिए इससे अच्छा, राइट। सो टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द टिप्स दैट आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू गाइस। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, सीधे हम अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और आपको फटाफट से देने वाली हूँ मैं क्रिस्प एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स इन द एंटायर वीडियो। ऑलराइट, टिप नंबर वन, जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करें, एनवायरमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चे जनरली क्या बोलते हैं, मैम हर किसी के पास स्टडी टेबल नहीं होता, मैम एनवायरमेंट सेटअप करने में इतना टाइम लग जाता है, क्या हम सिर्फ बुक खोल के पढ़ने बैठ जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, एनवायरमेंट आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट यही चीज़ में अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब डेकोरेशन नहीं करना है कि पूरा BTS की थीम बना रहे हैं वॉल पे, या फिर इधर कुछ पोकेमॉन का डेकोरेशन कर रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन सफाई कर रहे हैं, चमका रहे हैं टेबल को, वो वाला एनवायरनमेंट नहीं प्रिपेयर करना है आपको, बिना डिस्ट्रैक्शन वाला एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आप अपने घर वालों को बोल दो कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अभी मैं समझने बैठ रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए बस मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, ठीक है। आपका जो मोबाइल फोन है उसे साइलेंट पे करके, उल्टा करके दूर रख दो, कि मतलब ऐसा भी नहीं कि स्क्रीन की लाइट जल रही तो हमारा ध्यान जाए, किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्डली, आपके जो स्टडी टेबल है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, स्टडी एरिया चाहे आपका बेड हो, टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, इट शुड बी क्लीन। नाउ क्लीन का मतलब होता है कि उसमें अगड़म बगड़म, ऐसी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, पढ़ाई से भी रिलेटेड नहीं है, वो भी भरी पड़ी हैं, तो इससे आपका दिमाग भी ना बिल्कुल वैसी कचरा जैसा फील करेगा, और जितना नीट रखोगे ना आपका दिमाग भी उतना नीट और शार्प फील करेगा, ठीक है। तो सिर्फ उतनी ही बुक्स, उतनी ही कॉपीज लेके बैठें जो आपको लग रहा है कि ज़रूरत पड़ सकती है ना। ऑफ कोर्स आपको सारे स्टडी मटेरियल लेके बैठना है, ये नहीं कि बार बार उठना पड़ रहा हो टेबल से, ठीक है। पेंसिल, पेन, इरेजर, मार्कर, डिफरेंट कलर्ड पेन इनफ होता है, इसके अलावा स्टिकर, वाटर कलर, ब्रशेस, ये सब लेके नहीं बैठना है आपको, ठीक है। और फिर पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है, इससे आपका जो फोकस होगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा जो भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। टिप नंबर टू, Always be prepared of what you are going to learn. इसके लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ बच्चों को कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, बुक खोलते हो, पैराग्राफ नंबर वन से स्टार्ट करते हो, जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स के पैराग्राफ नंबर वन को जब भी आप पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन बस बता रहा है कि ओ इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्लास 11th में ये पढ़ा था, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जो हमें बहुत ही यूजलेस लगते हैं कि ये सब चीज़ें मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों ध्यान दे रहा हूँ इन सब चीज़ों पे, है ना। सो नॉट टू फील दैट, बट रैदर आप अपना टाइम किस में इन्वेस्ट कर सकते हो पता है, जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करो ना, सबसे पहले उस चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं उनको एक बार देखो क्या क्या है, ठीक है। मान लो केमिकल रिएक्शन का आप चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हो उसको देखो, उसकी एक लिस्ट बनाओ, आपके दिमाग में एक आइडिया होने वाला है कि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे ये टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हर चैप्टर का समरी दिया होता है, चैप्टर को शुरू करने से पहले ही समरी को पढ़ लो कि पूरे चैप्टर में समझ में नहीं आएगा समरी में क्या लिखा है, हो सकता है ऐसी डेफिनेशंस लिखी हो कुछ पल्ले ना पड़े, कोई बात नहीं, उसको रीड करके जितना समझ में आ रहा है, जितनी कहानी आप बना पा रहे हैं उतनी कहानी बस अपने दिमाग में बना लीजिए, इसको हम बोलते हैं स्किमिंग मेथड, ठीक है। इससे आप देखना पूरे चैप्टर में आपका इंटरेस्ट इतना बढ़िया मेंटेन रहेगा, रेलेवेंट वर्ड, सेंटेंस और फ्रेजेस अपने आप पॉपअप होके आपके दिमाग में आ जाएंगे जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पूरी बुक पढ़ने बैठते हैं ना शुरू से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ,
बीच में खो जाते हैं, गुम जाते हैं या फिर बोर हो जाते हैं और हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं होने के लिए हमें इंटरेस्ट पहले से जनरेट करना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट तभी जनरेट होता है जब हमें टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है। ठीक है ना, जब भी आपने समरी में जो भी चीजें पढ़ी थी, तो समरी में तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो वही चीजें जब आपको पैराग्राफ में दिखाएंगे तो वो क्या होगा, बेसिकली आपको अपने आप अपने उस अपनी तरफ खींचेगा कि ये देख मैं आ गया, जो तूने मेरे बारे में पढ़ा था ना, यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ। तो अपने आप जो है ना, वो आपका सर्कल, जो आपका एम्फेसिस है, वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो स्किमिंग थ्रू द टॉपिक्स बिफोर यू स्टार्ट द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, जब आप स्किमिंग थ्रू कर रहे हैं तभी क्यों ना हम एक फटाफट से माइंड मैप बना लें। राइट, उप्स, आई वाज ऑन दिस साइड, या आई गेस, हाँ, तो इज दिस स्क्रीन विजिबल? या इट्स विजिबल। सो तभी क्यों ना हम कंप्लीट चैप्टर का एक माइंड मैप बना लें, है ना। माइंड मैप बनाने से क्या होता है, वंस अगेन कंप्लीट चैप्टर का आपको एक आइडिया मिल जाता है। अब आप बोलेंगे मैम इतना भी क्यों जरूरी है कि चैप्टर का आइडिया लगाना, मतलब पढ़ेंगे तो आइडिया तो लग ही जाएगा ना। नहीं, इससे क्या होता है, हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लिया, हमने उसका कुछ फॉर्मूला लगा लिया, फिर कहीं कुछ पढ़ लिया एक चैप्टर में। ठीक है, अक्सर हम उस टॉपिक को उस चैप्टर से रिलेट करना भूल जाते हैं, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा 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 50-60% ही रह जाएगी। जब तक आप उस टॉपिक को कंप्लीट चैप्टर से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाओ आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, आप समझ के नहीं पढ़ रहे हो। हमें लगता है कि हम समझ के पढ़ रहे हैं, बट जब तक आपका दिल ये नहीं बोलता कि हाँ यार मेरे को समझ में आ गया कि मतलब ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ना, इसका इस पूरे चैप्टर में क्या काम है, ये इस चैप्टर में ही क्यों आया और क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं आती तो आप समझ जाओ रट्टाफिकेशन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, और इसको अवॉइड करने के लिए माइंड मैप जो है वो बेस्ट तरीका होता है। रफ स्केच बना लो, सर्कल्स बना लो, स्क्वायर बना लो, कलर्ड स्क्वायर बना लो, जो आपको मन करे वो आप यूज कर लो। बट इससे आप जब कंप्लीट चैप्टर की समरी तैयार करोगे ना बाद में, सारे माइंड मैप में जब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दोगे, फिर देखना ये जो विजुअल इम्पैक्ट आपके दिमाग में आया है, ये आपको हेल्प करेगा इन सारे टॉपिक्स को एग्जाम तक याद रखने में। ठीक है, बिकॉज आज आप जितनी चीजें पढ़ रहे हो अल्टीमेटली आप भूल जाओगे एग्जाम से पहले, उसको याद रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसको समझना है ना। तो माइंड मैप जो है आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए आपको एक ही टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ टॉपिक ऑलवेज ट्राई टू रिलेट इट विद द होल चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन। क्योंकि जब तक आप पूरे चैप्टर से रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट एबल टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मैंने अभी से पहले भी आपको बताया, सो अगर आप उसको लंबे टाइम तक याद नहीं रख पा रहे हो, तो फिर बेसिकली आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मेक नोट्स इन अ शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर सो दैट योर रिवीजन इज आल्सो फास्टर। कई बच्चों को आदत होती है बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाने की, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने की। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीज तो बहुत कॉमन चीज आप बता रहे हो, हर कोई बताता है, बट सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके बावजूद बच्चे उतने ही लंबे नोट्स बनाते हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी क्लास 11th में गई है, उसके भी जब मैंने कॉपी खोल के देखी तो उसने एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, उसकी रफ कॉपी मतलब इतनी नीट एंड क्लीन थी, और इतने बढ़िया से उसने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे थे, एक एक चैप्टर के पूरे पैराग्राफ्स लिख रखे थे। आई वाज लाइक, अरे भाई ये तो तुम्हारी फेयर कॉपी की तरह दिख रहा है, अगर तुम्हारी नोट्स कॉपी तुम्हारी फेयर स्कूल कॉपी की तरह दिख रही है, मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, आपकी रफ कॉपी जैसी ही दिखनी चाहिए, ऑफ कोर्स इट शुड बी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल, बट उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक ही साथ पॉपअप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर आपके नोट्स दिख रहे हैं मतलब आप सही कर रहे हो, ऐसे अगर आपके नोट्स नहीं दिख रहे हैं, अगर आपके नोट्स ऐसे हैं पैराग्राफ पॉइंट, तो मतलब आप गलत कर रहे हो। ठीक है, नोट्स बिल्कुल आपके ऐसे होने चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ा, टॉप के बारे में चार चीजें सीखी, बिल्कुल शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स, बुकिश लैंग्वेज नहीं, आपके खुद के शब्द होने चाहिए। यहाँ पे एक डब्बा होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक डब्बा होना चाहिए कि अरे इस टॉपिक में हम ये मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे नोट्स अगर बनाओगे ना, तो रिवाइज करने में उतना ही मजा आएगा, याद अच्छा रहेगा,
और फास्टर रिविजन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा ही है कि हर काम को जल्दी करना और अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट सॉल्व मेनी बुक्स, रादर एनालाइज व्हिच इज हैविंग मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड फोकस ओनली ऑन दैट। ये गलती मेरे साथ मैं बहुत करती थी कि मैं ना मल्टीपल बुक्स के पीछे भागती थी। एक फ्रेंड ने बता दिया सिंगेज लर्निंग की बहुत अच्छी है, एक फ्रेंड ने बता दिया मान लो अरिहंत की या दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मैं मल्टीपल चीजों में ना सारी बुक्स खरीद लेती थी। उसके बाद बस कंफ्यूज ही होती रहती थी, एक चैप्टर को दिशा पब्लिकेशन से पढ़ती थी, फिर ऐसा लगता था यार इसमें तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी है, शॉर्टकट में कुछ दिया नहीं है। एक चैप्टर को सिंगेज से पढ़ती थी, सही लगता था, फिर दूसरे चैप्टर को सिंगेज से पढ़ती थी तो ऐसा लगता था अरे यार ये टफ लगने लगा है, पढ़ू नहीं पढ़ू, और उस कंफ्यूजन में पढ़ती नहीं थी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक दो चैप्टर पढ़ के ही आप एनालाइज कर लो कौन सी बुक आपके लिए बेटर है, रिसर्च कर लो, इंटरनेट पे सारी बुक फ्री में अवेलेबल है। वेदांतु का कोर्स ज्वाइन करते हो तो वैसे ही आपको 200 से ज्यादा बुक फ्री में मिलती है ऑफ एवरी पब्लिकेशन दैट यू नीड, और वहां से ना फिर आप बेसिकली एनालाइज कर लो पहले ही कि किस टाइप की बुक आपको सूट कर रही है। ऐसी बुक जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर जिसमें थोड़े क्रिस्प मैनर में एक्सप्लेन किया है बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हैं उससे समझ में आ रहा है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो मैं जो बुक बताऊंगी वही पढ़ना जरूरी नहीं है। आप खुद एनालाइज करो और मल्टीपल बुक्स मत फॉलो करो, दो तीन बुक काफी है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गो इजी ऑन योर सेल्फ। आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्निक्स मिलेंगे, एकदम पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई करो, GHG टेक्निक से पढ़ाई करो, RRR टेक्निक से पढ़ाई करो, तो ये चीजें हम बाद में ना सोचते थे यार RRR का फुल फॉर्म क्या था, रीड रिकॉल तीसरा क्या था, ऐसे हो जाते हैं हम, ठीक है। तो अपने आप को मतलब इतना पढ़ाई को टफ मत बनाओ, गो ईजी ऑन योर सेल्फ। अब ये मल्टीपल चीजों के लिए, ठीक है, फर्स्ट इज बहुत ज्यादा अपने आप को टास्क अलॉट मत करो, एक दिन में उतना ही टास्क अलॉट करो जो आपको लग रहा है आप एक्चुअल में कर पाओगे, ठीक है। सेकेंडली जो भी आपने पढ़ा है कोशिश ये मत करो कि अरे वाह यार दिमाग बहुत चल रहा है, ऐसे करता हूँ पढ़ते जाता हूँ पढ़ते जाता हूँ पढ़ते जाता हूँ, टॉपिक पे टॉपिक चैप्टर पे चैप्टर करते जाता हूँ, उससे भी फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली इट इज बेटर ओनली कि आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, टाइमर के साथ पढ़ लो और फिर उसका रिविजन कर लो, उसके ऊपर क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइमर के साथ आप जरूर पढ़ाई कर सकते हो, इससे आप फास्टर पढ़ाई कर पाओगे और फोकस्ड पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कवर वर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। मतलब कई बार पढ़ते पढ़ते ही जब आपको ऐसा लगता है कि कोई रटने वाली चीज सामने आ गई है, ठीक है, आप उसको रटने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार उस पैराग्राफ को आंखों से अच्छे से देख लो, कहाँ कौन से वर्ड लिखे हैं, डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है उसको समझ लो, फिर उसको हाइड करके रिकॉल करो कि इस टॉपिक पे मैंने ये पढ़ा था, वो ये कहना चाह रहा था। वर्ड टू वर्ड रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में एक इमेज बनाओ कि बुक के इस पेज में इस पैराग्राफ में ये चीज लिखी हुई थी, वो ये कहना चाह रही थी, और इसका ये एग्जाम्पल अगर मैं याद रहूं तो रखूं तो मुझे ये टॉपिक आगे भी जाके याद रहेगा। इससे अगेन आपको वही वाली हेल्प होती है, विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग आपको लंबे समय तक कोई भी चीज याद रखने में हेल्प करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेफर टू ऑनलाइन लेक्चर्स व्हेनेवर स्टक ऑन एनी टॉपिक। खुद के हीरो बनने की जरूरत नहीं, नहीं मैं कर सकता हूँ, खुद से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ हेल्प की जरूरत है वहां हेल्प ले लेना चाहिए। अगेन मेरी सिस्टर भी क्लास 11th में है, मैं उसे भी सेम चीज एडवाइस करती हूँ, जब भी वो बहुत ज्यादा बोर फील करती है, स्टक फील करती है, वो बोलती है अरे ये टॉपिक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शी इज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम नॉट अ कॉमर्स टीचर, सो आई कांट एक्सप्लेन सम थिंग्स टू हर। सो इवन आई एडवाइस टू हर कि जहां पे भी तुम स्टक फील करो, इवन तुम बोर्ड फील करो, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि चैप्टर में बहुत कुछ दिया है और मतलब हिम्मत ही नहीं आ रही कि इतना सब कुछ कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स को रेफर कर लो। यूट्यूब पे यू हैव एवरी टॉपिक लेक्चर्स अवेलेबल, है ना, वेदांतु के आपके जेई के भी चैनल्स हैं, नीट के भी चैनल है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के भी चैनल्स हैं। ओपन द वीडियो एंड स्टार्ट बेसिकली go through the summary of the chapter. एक बार आपने पूरे चैप्टर की समरी सुन ली ना और देख ली ना, फिर उस चैप्टर को आप खुद
पढ़ना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पे बिलीव रखती थी कि पहले खुद से पढ़ो, बाद में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहां रेफर कर लेना है, वैसे भी आप कर सकते हो। पहले खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, जहाँ पे भी स्टक आउट हो जाओ कि कुछ ऐसे खतरनाक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एकदम खतरनाक से कोई प्रिंसिपल आ रहा है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, मैथ्स के एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच कर भी ले रहे तो आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इंटरनेट पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो और किसी का सुन लो एक्सप्लेनेशन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से वो टॉपिक आप खुद भी समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, नोट डाउट सेपरेटली एंड गेट इट क्लियर्ड, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, दिस इज हाईली एडवाइज्ड। जब भी आप किसी चीज में बहुत ज्यादा स्टक हो जा रहे हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको आपको डेफिनेटली नोट डाउन करना चाहिए, जो भी आपका डाउट है। इमीडिएटली अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ऑनलाइन भी ढूंढा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, उस पे अड़े रहने की जरूरत नहीं है, उसको फटाफट से नोट्स में बस नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन है नहीं बन रहा है, ये टॉपिक है नहीं बन रहा है, स्कूल के टीचर से पूछूंगा, ट्यूशन टीचर से पूछूंगा, दीदी भैया से पूछूंगा, जिससे ही पूछूंगी, ठीक है, मूव ऑन, टाइम सेव होगा, पढ़ाई अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलवेज मेक नोट्स ऑफ द मिस्टेक्स यू डू। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टिप है और मैं हर बच्चे को ये एडवाइस करती हूँ। जनरली आपको कोई टीचर ये चीज नहीं बताता होगा, बट आई ऑलवेज फील कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलतियां जरूर करते हो, स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, क्या उन गलतियों को आप ऐसे सोचते हो कि हाँ इस बार ये गलती कर ली है, अब अगली बार नहीं करूंगा? कई बार तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, हमें ऐसा लगता है चलो ठीक है ये गलती हो गई, लेट्स स्क्रिबल इट, मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप में से कितने बच्चे हो जो एक्चुअल में उस मिस्टेक को नोट डाउन करते हो? सुनने में हो सकता है आपको फूलिश या बहुत चाइल्डिश या बहुत सिंपल साउंड करेगा कि मिस्टेक्स को नोट डाउन करना क्या होता है मैम। मैं क्या करती थी, जब भी कोई क्वेश्चन मैंने बनाया कोई टॉपिक से रिलेटेड और उस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे गलती की, वो गलती सिंपल से सिंपल गलती हो सकती है, लॉजिकल गलती हो सकती है कि लॉजिक ही गलत था, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो मैं उस चीज को जरूर नोट डाउन करती थी कि इस टाइप का क्वेश्चन था और इस टाइप की गलती मैंने इस क्वेश्चन में की है। और जब बाद में एग्जाम से पहले मैं रिविजन करती थी ना, तो इन मिस्टेक्स वाले बॉक्सेस को मैं जरूर ध्यान से पढ़ती थी, इससे एग्जाम में मैंने कभी भी वो मिस्टेक दोबारा नहीं किए हैं। और जब भी मैंने अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन किया है ना, मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर हुई है और मेरा एग्जाम परफॉर्मेंस, राइटिंग परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा बेटर हुआ है। ट्राई करके देख लेना, आपको भी जरूर फायदा मिलेगा। ऑलराइट गाइस, सो दीज वर द टिप्स, कुछ स्पेशल टिप्स जो मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किए हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, खुद के साथ भी, अपने सिस्टर के साथ भी, एंड इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि हर टॉपिक को आप अच्छे से समझ भी पाओगे और जल्दी सीख पाओगे। ऑलराइट, तो ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए आप वेदांतु क्लास 11th एंड 12th चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन यू हियर। एंड एवरी डे वी बेसिकली हैव क्लास 11th एंड क्लास 12th मैथमेटिक्स लेक्चर्स ओवर हियर एंड स्पेशल स्टडी टिप्स, सो डू फॉलो अस। यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, जहाँ पे आपको नोट्स एंड असाइनमेंट्स के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी। Okay guys, thank you for watching today's video. Leave your comment, share your feedback. It is always valuable to us. That's all for the day. Bye bye. Take care.